नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा, आपका शुभचिंतक, आपका सखा, आपका विश्वास पात्र। दोस्तों, आज तारीख है 5 जून 2020। शुभ दिन है जी आज का, शुक्रवार का दिन, बहुत बढ़िया दिन है जी आज। दोस्तों, अनुराधा नक्षत्र है जी आज और पूर्णिमा का दिन है। दोस्तों, आज का दिन सबसे बढ़िया होता है किसी चीज को दान करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, धार्मिक यात्रा करने के लिए। पूर्णिमा का दिन आप कोई भी अपना शुभ कार्य आरंभ कीजिए, उसकी स्टार्टिंग कीजिए, वो कार्य निश्चित तौर पे पूर्ण होता है, सिद्ध होता है, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है, कहीं दो राय नहीं है। दोस्तों, आज तारीख है 5, मीनिंग मूलांक अंक 5। दोस्तों, जिन जातकों का, जिन दोस्तों का 5 अंक बनता है जी, ऐसे जातक बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं। 5 अंक का जो स्वामी है जी, वो है बुध देव। दोस्तों, 5 अंक बहुत बढ़िया अंक माना जाता है। 4 अंक इस अंक के आगे हैं, 4 अंक इस अंक के पीछे हैं। ये अंक अपने आप में पूर्ण अंक कहलाता है। ऐसे जातक बहुत ही विचारक होते हैं, कैलकुलेशन बहुत बढ़िया करते हैं जी। हर काम को सोच विचार के करना इनकी आदत होती है और इसके कारण ये जीवन में कामयाब भी बहुत होते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक, आज आपके लिए क्रोध करना अपने लिए कुआं खोदने के बराबर है। आज आपकी दूसरी राशि में, वृश्चिक राशि में चंद्रदेव नीच के हैं, आपके अष्टम घर में चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी जोखिम लेना, किसी प्रकार का रिस्क लेना आपके लिए नुकसानदायक है। आज रिस्क मत लीजिए, बड़े फैसले आज आप टाल दीजिए, आप बढ़िया रहेंगे। वृष राशि वाले जातक, आज थोड़ा सा दिन स्टार्टिंग में दिक्कत वाला हो सकता है। लगभग 11-11:30 बजे तक कोई किसी प्रकार की बहस ना करें, उलझे मत। अगर आप उलझेंगे तो आगे उलझते ही जाएंगे। आज का दिन 12 बजे तक सावधानी पूर्वक बिताने वाला है, उसके बाद आपका दिन आज बहुत बढ़िया जाएगा, आपको किसी चीज की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। मिथुन राशि, आज आपके लिए योजनाएं सफल होने का दिन है। आप जो भी योजनाएं आज बनाएंगे वो सब सफल होंगी। एक बात का ध्यान रखिए, पर अपनी योजनाओं के बारे में किसी को बताइए मत। अगर आज आपने अपनी योजनाओं के लिए शोर डाला तो आपकी सभी योजनाएं फेल हो जाएंगी। आज का दिन आपके लिए ऐसा है। कर्क राशि वाले जातक, आज आपके लिए दिन थोड़ा सा मुश्किलों भरा है, दिक्कत बड़ा है, परेशानियों वाला है। आज आपके राशि के स्वामी चंद्रदेव नीच के हो गए हैं, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से आज गुस्सा आपके ऊपर हैवी रहेगा, चिड़चिड़ापन आपको परेशान कर सकता है, माता से भी अनबन हो सकती है और माता समान लेडीज से झगड़ा भी हो सकता है। इन सब चीजों से बचें, अपने काम में ध्यान दें, सफेद चीज का दान जरूर करें। सिंह राशि वाले जातक, आज आप अपने प्रभाव को लोगों के आगे प्रकट कर पाएंगे, आपकी सभी योजनाएं आज सिद्ध होंगी। आज आपका दिन है, आज आपके लिए सर्व सिद्ध योग है। आप जो भी कार्य करेंगे आज आपके लिए रिजल्ट अनुकूल आएंगे, आज आपकी गलती पकड़ी भी नहीं जाएगी, ये भी बात ध्यान रखना। कन्या राशि वाले जातक, आज आपके लिए सबसे अहम बात है किस पे विश्वास करें और किस पे ना करें। विश्वास के मामले में थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा सावधान रहें, पैसों के लेन देन में थोड़ा सा आज कंजूसी वाला वर्ताव करें। आज दिल खोल के पैसे खर्चने का दिन नहीं है, आज आप पैसों के मामले में थोड़ा सा कंजूस बन जाइए तो आज बढ़िया रहेंगे आप। तुला राशि वाले जातक, आपके लिए आज का दिन नॉर्मल सामान्य दिन के बराबर है, कुछ नया नहीं होने वाला है। जैसे रूटीन लाइफ आपकी चल रही है आज वैसा ही रहेगा, कुछ सामान्य जीवन बहुत नॉर्मल जाएगा, सामान्य जीवन
बराबर सा जाता दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में चंद्रदेव नीच के हैं, जो कि आपके लिए नुकसानदायक है सेहत के लिहाज से और आपके विचारों के हिसाब से। आपके लिए क्रोध करना, चिड़चिड़ापन, इन सब चीजों से आज बचे, नहीं तो आपकी बनी बनाई सभी योजनाएं फेल हो जाएंगी। यात्रा टाल दें, दोस्तों से आज परहेज रखें, खास करके उन सरकारी अफसरों से परहेज रखें जिन पे आपको ब्लाइंड फेथ है, आज वो आपको धोखा दे सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि वाले जातक, आज आपके लिए दिन मंगलमय है, सर्व मनोरथ पूर्ण होने वाला दिन है आज। आपकी सभी योजनाएं आज सफल होंगी, किसी बड़े बुजुर्गों की सहायता से सर्व कार्य सिद्ध होंगे, कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और आज आप दूसरों को कुछ सिखाएंगे भी। मकर राशि, मकर राशि वाले जातक, आज आपके लिए दो बातों का परहेज है। पहला तो ये, कोई भी एग्रीमेंट करने से पहले जल्दबाजी ना करें, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ध्यान रखें, सतर्क रहें, आपके अपने ही आज आपको नुकसान पहुंचाने की फिरक में बैठे हैं, थोड़ा सा बचाव करके चलें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातक, आज आपके लिए दिन कारोबार की स्थिति में बहुत बढ़िया है, सोची समझी सभी योजनाएं सफल होंगी, पुराने रिश्ते निखार में आएंगे, जो रिश्ते टूट गए थे हो सकता है आज वो भी बढ़िया हो जाए। मीन राशि, मीन राशि वाले जातक, आज आप अपने दिल का कहा मानेंगे और आज आप दिल का कहा मानने से सफल भी होंगे, इस बात का खास ध्यान रखना। आज आपका दिल बहुत ही अनुकूल स्थिति में चलने वाला है, आज आपका दिल ही आपको कामयाब बनाएगा, अपने दिल की बातें जरूर सुने, आज आपका दिन बहुत बढ़िया जाएगा। दोस्तों ये था आज का राशिफल, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, ओम शिव ओम शिव ओम शिव।